बिहार निवास पर हमारी पार्टी प्रदर्शन की। लोकसभा में सबसे पहले पप्पू यादव ने इस सवाल को खड़ा किया। लोकसभा के बाद फिर कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन जी ने सवाल खड़ा किया। दोनों के दबाव के बाद गृह मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया और फिर लगातार बिहार में महिला भी धरना भी। पार्टी हमारे लगातार सक्रिय रहे। मुजफ्फरपुर में पुतला फूके गए। मुझे आश्चर्य है, दो बेटियों का बलात्कार हुआ था तो इंडिया गेट भर जाता था, पूरा देश में कैंडल मार्च हो गया, लेकिन जब नेता सफेदपोश पदाधिकारी जज और पत्रकार चारों आदमी के मिली भगत से जब हजारों बेटियों का बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ, अरे उसको बोलिए चुप रहने के लिए, वहां भाषण दे रही है, बस चुप रखिए उसको, अरे उसको बोलिए चुप रहने, मैक ले लीजिए उसे, मैक लीजिए उसे, मैक लीजिए। मैं इंस्पेक्टर साहब डीएसपी साहब से कहेंगे आप लोग चुप रहिए। चलिए बड़ा बेटी बहन आप लोगों का भी है, हम लोग का भी है, जबरदस्ती लाठी गोली चलाने मत चल दीजिए। पूरा देश बिहार में जहां जहां बलात्कार हुआ आज तक कहीं भी सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं गया। आज तक गया में माँ और बेटी का बलात्कार बाप के सामने हुआ, कहीं नहीं गया। फतुहा में स्कूल में बेटियों का बलात्कार हुआ, अभिमन्यु यादव को मार दिया गया, कहीं नहीं गया। जन अधिकार पार्टी के नेता और जन अधिकार पार्टी लगातार हर सवाल पर गया, बंद किया, हर सवाल पर लड़ते रहे। फतुहा में गोली खान खाए और लड़ाई लड़की लड़ी गई। और ऐसे लोग, ऐसे लड़के देखिए जो वो आए और पांच मोटरसाइकिल लेके चले गए, दस मोटरसाइकिल लेके। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लड़कों से आंदोलन नहीं होगा। प्रेमचंद जी और युवा अध्यक्ष जी, मनीष जी, सनी जी, देख लीजिए, मैं ऐसे लड़कों से ही बहुत तकलीफ हो चुका हूं। मैं सोचा है कभी कभी मेरा मन करता है, देखिए सभी लोग आए मजे किए और वो लड़के लोग मोटरसाइकिल छोड़ दीजिए। ऐसे लड़कों को आप लाते हैं, ये लड़का अभी आश्चर्य है, अभी भाजपा महिला मोर्चा जुलूस निकाल करके माला पहन करके जिंदाबाद करवा रही है। ये महिला मोर्चा इसको काली क्यों नहीं पोती आप लोग रास्ते, पूरी बेटी संसार है ये जिंदाबाद करवा रही है, इसको शर्म नहीं होता है? और ऐसे लड़कों के द्वारा हम क्या आंदोलन लड़ेंगे? सर मेरी विपदा यही है, नहीं तो मैं मार दिया होता इन कुत्तों को, क्योंकि ऐसे लड़के ही दिन भर बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़ा होता है और बलात्कार करता है। और वैसे लड़के को लाया जाता है जो गलत है पप्पू यादव के लिए, मैं उचित नहीं मानता हूं। राजनीति करना हो तो गंभीरता से करें मेरे साथ, हर चीजों में मजाक। इसीलिए लड़ाई बहुत बड़ी है। आज अरविंद केजरीवाल का दो विधायक बलात्कार किया, वो जो निर्भया धामनी पर आ गया, वो कह रहा है यहीं पर लालू यादव के साथ मंच गला मिला था तो जाके गलती स्वीकार किया। एंकर सीजर कांड, गौतम शिल्पी कांड, क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ वो जब एमपी का सीडी कांड हुआ था, क्या हुआ नवादा का एमएलए, क्या हुआ लालू यादव के कुनबे के पीएम मनी का बलात्कार, क्या हुआ दिल्ली की छेड़खानी, क्या हुआ चंपा विश्वास का कांड, क्या हुआ मामा और फूफा का कांड, क्या हुआ इस भारत में दुनिया को संसार करने वाली पहली घटना बालिका गिरी का कांड? ये तो चार आदमी पांच आदमी हमारे अगल बगल जिले से चल देते, कितनी गंभीर है यह देश या बिहार।
आप बताएं, जो अध्यक्ष यहाँ आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग गंभीर हैं? हम लोग जो छात्र पदाधिकारी हैं, वो पूछना चाहते हैं सिरा पदाधिकारी के 10 कितने लोग गंभीर हैं हम इस सवाल को लेकर? इससे ज्यादा गंभीर तो मेरी माँ और बहन है कि कल मैंने निर्णय लिया मुझे गवर्नर हाउस घेरना है और चल दी माँ बहन।